हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटारिया क्लासेस। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है एमलगमेशन यानी एकीकरण। कल के टॉपिक में मैंने आपसे बात की थी कि एमलगमेशन होता क्या क्या है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। फिर इसके बाद हमने जाना था कि एमलगमेशन में किस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, एमलगमेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मर्जर का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब क्या होता है एंड परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग ने बात किए थे। आज हम लोग अमलगमेशन में जानेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में कि क्या एंट्रीज हमें पास करनी पड़ेगी जब अमलगमेशन होगा। अगर मर्जर की कंडीशन है तो क्या एंट्रीज करेंगे, परचेज की कंडीशन है तो क्या एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमलगमेशन में हमने कहा था दो तरह की कंपनीज हो जाती है, एक नई वाली और एक पुरानी वाली। जो नई कंपनी है जिसे हम लोग ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, पुरानी वाली कंपनी जिसे हम ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं। तो जब अमलगमेशन होगा, चाहे वो नेचर ऑफ मर्जर हो चाहे नेचर ऑफ परचेज हो, एंट्री तो दोनों की बुक में होगी, तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को, यानी इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। किसकी बुक में समझेंगे इसको, ट्रांसफरी की बुक में। ट्रांसफरी कौन है, ये जो नई कंपनी थी जिसे हम ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं, इसकी बुक में हम समझेंगे। अब ट्रांसफरी की बुक में जब समझ रहे हैं तो इसमें फिर दो सिचुएशन को समझना पड़ेगा। इसमें हमें दो सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि मर्जर की कंडीशन में एंट्रीज अलग होंगी और परचेज की कंडीशन में एंट्रीज अलग होंगी। तो हम कह रहे हैं इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर कंडीशन किस चीज की है, मर्जर की है, तो एंट्रीज अलग करेंगे। और अगर इन द नेचर ऑफ परचेज है तो हम एंट्रीज अलग करेंगे। ये ध्यान रखना, मर्जर है तो एंट्रीज अलग होंगी और परचेज होंगी तो एंट्रीज अलग होंगी। किसकी बुक में हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफरी की बुक में। हम किसकी बुक में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रांसफरी की बुक में, यानी ट्रांसफरी की बुक में क्या एंट्रीज होने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले, एंट्रीज को हम याद ना करें, लर्न ना करें, हम सब कॉन्सेप्ट को समझें, हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसफरी की बात कर रहे हैं। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफरी की बात कर रहे हैं। ये वो कंपनी है जिसने किसी दूसरे के बिजनेस को खरीद लिया है, परचेजर कंपनी है, नई कंपनी है। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, बिजनेस को खरीद रही है। तो जब किसी दूसरे का बिजनेस को तुम खरीदोगे तो बदले में पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे। तो दूसरे को बिजनेस से तुम्हें क्या मिलेगा, एसेट्स मिलेगी, उसकी चीजें मिलेंगी, तो वो आपके लिए क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। तो जो मर्जर की कंडीशन होगी, तो मर्जर की कंडीशन में उसको हम एसेट्स के नाम से अगर हम डेबिट करें तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहली एंट्री हम कहेंगे बिजनेस मर्जर डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, यानी उस कंपनी का नाम जो लिक्विडेट हो गई है, बंद हो गई है। अगर कंडीशन परचेज मर्जर की है तो पहली हम टॉपिक क्या डालेंगे, बिजनेस मर्जर को डेबिट करेंगे और लिक्विडेटर को जो कंपनी बंद हो रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से ये एंट्री करेंगे, ये एंट्री पास होगी पीसी की अमाउंट से, यानी कि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से। मर्जर में मर्जर को डेबिट क्यों करते हैं, क्योंकि जिस कंपनी को तुमने खरीद लिया है, जिसको परचेज किया है, वो हमारे लिए क्या हो गई, एसेट्स हो गई। और एसेट्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। अब अगर मर्जर है तो बिजनेस को मर्जर के नाम से डेबिट कर दो, और अगर यही एंट्री परचेज की बात हो गई तो हम कह देंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस
परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज डेबिट टू फिर से सिमिलर लिख देंगे क्या, लिक्विडेटर, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, और ये भी किस अमाउंट से, पीसी की अमाउंट से, यानी कि परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से, जिसकी कैलकुलेशन कल हमने बताई थी। अब ये कैसे समझेंगे कि परचेज है क्या मर्जर है, तो ये कल ये फॉर्मूला बताया था, कंडीशंस बताई थी कि वो पांच कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो बन जाएगा मर्जर, और पांच में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो बनेगा परचेज। ठीक है, तो आपने सबसे पहले किसी का बिजनेस खरीदा तो वो असेट्स मानते हुए मर्जर है तो मर्जर के नाम से डेबिट किया, परचेज है तो परचेज के नाम से डेबिट किया, और जिससे खरीदा है, जिसको पैसे देने हैं, उसको क्रेडिट कर दिया लिक्विडेटर को। अब क्या करेंगे, अब यहां पे सेकेंड एंट्री करेंगे, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री करेंगे, एंट्री नंबर टू। ठीक है, सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेकेंड एंट्री जब हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे, टेक ओवर, टेक ओवर एसेट्स, टेक ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं किससे, लिक्विडेटर से, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी से। तो अब ये कंडीशन कौन सी चल रही है, मर्जर वाली, तो मर्जर में आप बोलोगे सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, और कल मैंने बताया था कि सन्ड्री एसेट्स में या टोटल एसेट्स में सारी एसेट्स आ जाएंगी सिवाय फिक्टीशियस एसेट्स को छोड़कर। तो सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू क्या बोलेंगे, टू हम कहेंगे सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटी ये बोल देंगे, और टू जिसका आपने जो एसेट्स खरीदी थी, जिसका बिजनेस खरीदा था, जब खरीद रहे थे तब डेबिट किया, अब तो मिल गई है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए यहां पर अगर मर्जर है तो हम कह देंगे बिजनेस मर्जर, तो इसको हम बिजनेस मर्जर के नाम से क्रेडिट कर देंगे, और टू रिजर्व एंड सरप्लस, टू रिजर्व एंड टू सरप्लस, जितने भी प्रॉफिट हो, जितने भी प्रॉफिट हो, जितने भी आपके पास, जितने भी सरप्लस हो वो सब लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखना, रिजर्व में आप नहीं लिखोगे तो एक रिजर्व कौन सा, जनरल रिजर्व। मर्जर की कंडीशन में जनरल रिजर्व को छोड़कर कोई भी रिजर्व हो वो सब आ जाएगा यहाँ पे, और किसी भी तरह का प्रॉफिट हो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, बस जनरल रिजर्व को, सामान्य संचय को छोड़ के बाकी किसी भी टाइप के रिजर्व को यहाँ पे उतार लेना है हमें, ट्रांसफरर की, किसकी, ट्रांसफरर की। ये सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसकी लिख रहे हैं, ट्रांसफरर की, जो हमें मिली है, हमने ली है। अच्छा, अब यहां पे आएंगे, और ये सब किस वैल्यू पे, या तो बुक वैल्यू पे या तो रियलाइज वैल्यू पर, नॉर्मली ज्यादातर ये सब बीवी पे चलता है, बुक वैल्यू पर। ठीक है, और मर्जर किस वैल्यू से, पीसी की वैल्यू से, मर्जर किस अमाउंट से आएगा, पीसी। ये सब कौन सी वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बुक वैल्यू। बोलो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, ये मर्जर की कंडीशन में, अगर यही सेम सिचुएशन परचेज में होता तो इसी टॉपिक की एंट्री हम करते, फिर हम लिखते सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, और टू सन्ड्री एसेट डेबिट, टू सन्ड्री लायबिलिटी, टू सन्ड्री लायबिलिटी, और टू क्योंकि बिजनेस परचेज ऊपर लिखा था तो अब उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम लिखेंगे बिजनेस परचेज, फिर से क्रेडिट कर देंगे तो डेबिट क्रेडिट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, टू बिजनेस परचेज अकाउंट, फिर से ये किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, ये किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, और ये किस वैल्यू पे, पीसी की वैल्यू पे। अच्छा, अब क्या क्या लिखना था वो मैंने लिख दिया, लेकिन अब जब एंट्री करेंगे तो जरूरी है, हमारा डबल एंट्री सिस्टम समझाता है कि एवरी डेबिट इक्वल्स टू एवरी क्रेडिट, जितना टोटल होगा डेबिट का उतना ही होगा क्रेडिट का, और या क्रेडिट का होगा उतना ही डेबिट का। तो अगर सपोज कि अगर ये बैलेंसिंग वैल्यू हो, अगर ये कौन सी वैल्यू हो, बैलेंस डेबिट साइड आए तो इसे हम बैलेंसिंग करेंगे किससे, जनरल रिजर्व से। इसीलिए तुमको मना किया मैंने कि जनरल रिजर्व को छोड़कर सारे रिजर्व लिख लेना,
क्योंकि जर्नलिज्म से ही बैलेंसिंग करनी है, तो अगर उसको भी ट्रांसफर कर दोगे तो दिक्कत होगी। और नीचे नीचे हम क्या करेंगे, नीचे भी अगर मान लीजिए इधर साइड बैलेंस आ रहा हो तो इस बैलेंस को भी हम किस नाम से लेंगे, जनरल रिजर्व के नाम से लेंगे। तो अगर ये बैलेंस जो होगा ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा और डेबिट बैलेंस नेगेटिव माना जाता है, और ये वाला क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा और ये पॉजिटिव माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। बात समझ में आई। अब इधर आए तो कैप परचेज की कंडीशन में अगर हमें बैलेंसिंग करना हो डेबिट या क्रेडिट, तो अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, गुडविल कॉल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, गुडविल बोल देंगे और डेबिट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड कम आता है तो इसे हम कैपिटल रिजर्व बोल देंगे। इसे हम क्या बोल देंगे, कैपिटल रिजर्व। ये बैलेंसिंग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, गुडविल जो है वो आगे चलकर बैलेंस शीट में किधर रिप्लिकेट करेगा, एसेट साइड, और कैपिटल रिजर्व किस साइड रिप्लिकेट करेगा, लायबिलिटी साइड। ये किस साइड आएगा, लायबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट में, सबको पता है। तो पहली एंट्री हमने क्या की, हमने किसी का बिजनेस खरीदा। दूसरी एंट्री क्या की, हमने किससे कितना एसेट्स, हमें ट्रांसफरर से कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटी मिली, वो हमने देखा। अब हम करेंगे पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, थर्ड एंट्री, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का हम आपको क्या कर देंगे, हम पेमेंट कर देंगे। परचेज कंसिडरेशन का हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो परचेज कंसिडरेशन का जब हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे मर्जर की कंडीशन हो या परचेज की कंडीशन हो, तो पेमेंट किस फॉर्म में, मैंने कहा था पेमेंट करने के मेरे पास फॉर्म क्या है, इक्विटी शेयर्स है, हमारे पास डिबेंचर्स हैं, हम कैश में भी दे सकते हैं, हम कोई एसेट्स भी दे सकते हैं। तो जो भी कुछ जिस भी फॉर्म में देंगे, अब किसको देंगे पेमेंट, पेमेंट हमने फर्स्ट एंट्री में लिक्विडेटर को ट्रांसफरर कंपनी के क्रेडिट किया था, तो पेमेंट किसको मिलेगी, लिक्विडेटर को ही तो मिलेगी ट्रांसफरर कंपनी के, तो उसको डेबिट कर दीजिए। अब आप लिखिए, इसको डेबिट कीजिए, तो आप कहेंगे लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी डेबिट टू जिस फॉर्म में, अगर हमने शेयर इशू किया है, ठीक है, तो लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, तो अगर हमने शेयर इशू किया है तो हम क्या कहेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी डेबिट टू, शेयर इशू किया है तो हम कहेंगे शेयर कैपिटल, हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। अगर हमने कुछ डिबेंचर में पेमेंट किया है तो हम कह देंगे डिबेंचर्स अकाउंट, हम डिबेंचर्स। और अगर हमने पेमेंट कुछ कैश के फॉर्म में किया है तो टू कैश। और सेम एंट्री यहां पर भी हो जाएगी इन द नेचर ऑफ परचेज की कंडीशन में, सेम एंट्री हम परचेज की कंडीशन में कर देंगे। चलिए, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे आते हैं और एंट्रीज पे चलते हैं, और नेक्स्ट एंट्रीज पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी किस चीज की होगी, नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री में जब हम आएंगे तो हमने खरीद लिया, हमने एसेट्स ले ली, हमने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, अगर ट्रांसफरर, ट्रांसफरी कंपनी लिक्विडेशन के खर्चे करता है, ट्रांसफरी कंपनी लिक्विडेशन के खर्चे करता है, तो क्या एंट्री करेगी, तो पेमेंट ऑन लिक्विडेशन के एक्सपेंस पे कर रहा है ट्रांसफरर कंपनी, तो एंट्री क्या होगी। तो हम एंट्री करेंगे, अब इसको दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो लिक्विडेशन के खर्चे हैं और खर्चों को हम हमेशा राइट ऑफ कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की चीज है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि मर्जर की कंडीशन में जनरल रिजर्व आता है, तो हम जनरल रिजर्व से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कहां से, जनरल रिजर्व से, जनरल रिजर्व डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंस,
या लिक्विडेशन एक्सपेंस बोल रहा हूं, कैश करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बोल सकते हैं। और यहां पे हम उसको गुडविल से राइट ऑफ कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, या तो इसको ऐसे समझ लो आप कि जब आप पेमेंट करोगे तो पहले आप खर्चे करोगे, तो आप कहोगे लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर इस कैश को और खर्चों को, इस लिक्विडेशन के एक्सपेंस को आप राइट ऑफ करोगे या तो रिजर्व से या तो गुडविल से। तो जब राइट ऑफ करोगे तो ये चीज क्रेडिट हो जाएगी, और ये जनरल रिजर्व से कर रहे हो तो आप बोलोगे जनरल रिजर्व डेबिट टू लिक्विडेशन, जनरल रिजर्व डेबिट टू लिक्विडेशन। और अगर गुडविल से राइट ऑफ किया तो आप कहेंगे गुडविल डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंस, टू लिक्विडेशन एक्सपेंस, ये बोल देंगे आप ये बोल देंगे ना। तो अब यहां पे देखो लिक्विडेशन, लिक्विडेशन कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर डेबिट किया और नीचे क्रेडिट किया, ऊपर डेबिट किया नीचे, तो बचा क्या, जनरल रिजर्व डेबिट टू कैश या गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसी एंट्री को मैंने डायरेक्ट क्या किया है, शो कर दिया है, इसी एंट्री को मैंने डायरेक्ट शो कर दिया है, ठीक है। तो जब भी आप एंट्री पास करेंगे तो आप ये वाली एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री कहता है पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अगर आप लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, अगर आप लायबिलिटी को पे ऑफ कर देते हो, तो क्या एंट्री हो जाएगी। अगर लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो तो लायबिलिटी जब भी पे ऑफ होगी तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो आप कहेंगे सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, अगर पैसे दिए कैश, और अगर लायबिलिटी का पेमेंट किसी नई लायबिलिटी को जनरेट करके कर रहे हैं, अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट किसी नई लायबिलिटी को जनरेट करके कर रहे हैं, या तो हम कह देंगे टू न्यू लायबिलिटी, टू न्यू लायबिलिटी, यानी इस केस में ये पुरानी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और उसकी जगह कोई नई लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, और ये सेम एंट्री भी इस पोर्शन में हो जाएगी, ये सिमिलर एंट्री इस पोर्शन में भी हो जाएगी। ये जनरल, इसी तरह डिबेंचर को हम कभी कभी देखते हैं कि डिबेंचर का कन्वर्जन हो जाता है, यानी उनके डिबेंचर को हम अपने डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही हम एंट्री हो जाएगी ना, सन्ड्री लायबिलिटी की जगह वो पुराने डिबेंचर्स हो जाएंगे, और न्यू लायबिलिटी की जगह जो आपने डिबेंचर का नया परसेंटेज फिक्स किया है वो एंट्री हो जाएगी। तो बेसिकली हम इतनी एंट्रीज देखते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सबसे इंपॉर्टेंट किसका है, ट्रांसफरी की बुक में देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफरी सबसे बड़ा मेन बंदा है, वहां से ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसको हमने पहले समझा। अब आगे बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब ट्रांसफरर के यहाँ पे ना कोई पंगा नहीं अपना, कि हमें वो नहीं समझना कि ये मर्जर की कंडीशन है या परचेज की कंडीशन है, ये सारे पंचायतें जो हैं ये सिर्फ ट्रांसफरी की बुक में, ट्रांसफरर के ऐसी कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो हम सीधे सीधे बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। अब ट्रांसफरर कंपनी कौन होगी, ये वही कंपनी होगी जो हमारी पुरानी कंपनी थी, जो हमारी पुरानी कंपनी थी, ओल्ड कंपनी थी। तो इसकी बुक में हम एंट्री करेंगे, तो इसकी बुक में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले होती है एसेट्स और फिर होती है लायबिलिटी। तो एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल एसेट्स, एक होता है फिक्टीशियस एसेट्स। नॉर्मल एसेट्स मतलब वो सारी एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टीशियस एसेट्स। तो जितनी भी नॉर्मल एसेट्स होंगी, जितनी भी हमारी नॉर्मल एसेट्स होंगी, इधर मैं बता रहा हूं, जितनी भी हमारी नॉर्मल एसेट्स होंगी वो सब कहां ट्रांसफर होंगी, वो जाएंगी भैया रियलाइजेशन अकाउंट में। वो कहां जाएंगी, रियलाइजेशन में। और जितनी भी फिक्टीशियस एसेट्स है, जितनी भी फिक्टीशियस एसेट्स है, वो कहां जाएगी, शेयर होल्डर अकाउंट में।
वो कहां जाएगी? शेयर होल्डर अकाउंट में। इसी तरह इंटरनल लायबिलिटी, जो हमारी इंटरनल लायबिलिटी होगी वो सब जाएगी शेयर होल्डर के अकाउंट में, वो जाएगी शेयर होल्डर अकाउंट में। और जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी वो कहां जाएगी? वो जाएगी रियलाइजेशन में। वो कहां जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो यानी एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग कितनी एंट्रीज बन सकती है? मैक्सिमम 4 एंट्रीज। किसकी बुक में? ट्रांसफरर की। फिर बात करते हैं पीसी की, परचेस कंसीडरेशन। तो पीसी की हम 3 एंट्रीज करते हैं ट्रांसफरर की बुक में। कितनी एंट्रीज करते हैं? 3 एंट्री। पहली एंट्री किस बेसिस पे? ड्यू करने के बेसिस पे। पहली एंट्री किस बेसिस पे? ड्यू। तो ड्यू करना है, पैसा हमें मिलना है। किससे मिलना है? ट्रांसफरी से मिलना है। तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसफरी कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन। हम क्या एंट्री करेंगे? ट्रांसफरी डेबिट टू रियलाइजेशन, ट्रांसफरी डेबिट, या इसको हम अलग से देख लेते हैं। तो पहले हम एंट्री करेंगे ड्यू, फिर एंट्री करेंगे रिसीव, फिर एंट्री करेंगे रिसीव, और फिर करेंगे ट्रांसफर, फिर क्या करेंगे? ट्रांसफर। यानी पीसी से रिलेवेंट कितनी एंट्रीज बनेंगी? 3 एंट्री। ड्यू, रिसीव, ट्रांसफर। ड्यू, रिसीव, ट्रांसफर। तो आओ एक एक करके पहले यहां तक चलते हम लोग। तो सबसे पहली एंट्री ट्रांसफर, पहली एंट्री किस चीज की होगी? ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, एसेट्स हमेशा क्या होती है? डेबिट। और जब किसी डेबिट आइटम को कहीं और जगह ट्रांसफर करते हो तो वो क्या बन जाएगा? क्रेडिट। तो यानी जहां ट्रांसफर किया वो क्या होगा? डेबिट। तो यानी एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। किस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे? बुक वैल्यू पे। सर किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। फिर ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री देखें, सेकंड सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री क्या? फिक्टीशियस एसेट्स। सेकेंड एंट्री क्या? फिक्टीशियस एसेट्स। फिक्टीशियस एसेट्स के रिगार्डिंग उसको भी हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कहां? शेयर होल्डर अकाउंट में। तो एसेट्स फिर से ट्रांसफर होगी, तो फिर इस एंट्री क्या होगी? फिर से एंट्री होगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टीशियस एसेट्स, टू फिक्टीशियस एसेट्स ना, ये एंट्री हो जाएगी फिक्टीशियस एसेट्स। किस वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। एंट्री नंबर थर्ड। फिर हम क्या करेंगे? सन्ड्री लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। सन्ड्री लायबिलिटी को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। कहां पे करेंगे लायबिलिटी को ट्रांसफर? बताया रियलाइजेशन में। एक्सटर्नल लायबिलिटी सन्ड्री लायबिलिटी है, कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। बताओ अब रियलाइजेशन लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। जब क्रेडिट कहीं ट्रांसफर होगी तो क्या बन जाएगी? डेबिट बन जाएगी। और रियलाइजेशन क्या बन जाएगा? क्रेडिट बन जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? हम कहेंगे सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। सन्ड्री लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, ये बन गई। और फिर इंटरनल लायबिलिटी की बात करते हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं? इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर फंड, हमारी जो फोर्थ एंट्री होगी ना। जितनी भी हमारी इंटरनल लायबिलिटी है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे, उसे हम क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? शेयर होल्डर को। किसको? शेयर होल्डर को। तो ट्रांसफर कर दो तो फिर से सारी इंटरनल लायबिलिटी डेबिट हो जाएंगी। यानी कि इंटरनल लायबिलिटी में क्या, जैसे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स जितने भी होंगे वो डेबिट, और सरप्लस जो भी होगा वो भी डेबिट। और टू कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? शेयर होल्डर में। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं?
शेयर होल्डर में। तो ये हो गई। अब हम बात करेंगे फिफ्थ एंट्री की पीसी से रिलेवेंट। हमने कहा पीसी हमारा क्या होता है, तीन एंट्री, ड्यू रिसीव एंड ट्रांसफर, ड्यू रिसीव एंड ट्रांसफर। तो अगर हम ड्यू कर रहे हैं तो ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे, ड्यू कर रहे हैं किसको, ड्यू कर रहे हैं परचेस को, ड्यू ऑफ पीसी परचेस कंसिडरेशन। तो पीसी का पैसा किसको देना है, लिक्विडेटर को, ट्रांसफरी से लेना है तो हम कहेंगे ट्रांसफरी, ट्रांसफरी कंपनी क्या, डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी सारी चीजें कहां आई है, रियलाइजेशन से, तो टू रियलाइजेशन। एंट्री नंबर सिक्स, रिसीव्ड पीसी, हमें पीसी का पैसा मिल गया, रिसीव्ड पीसी परचेस कंसिडरेशन का अगर पैसा मिल गया हो तो परचेस कंसिडरेशन जिस फॉर्म में आएगा पीसी का पैसा मिलेगा, कौन देगा, ट्रांसफर ही देगा। अगर शेयर्स के फॉर्म में आए तो शेयर्स, डिबेंचर आया तो डिबेंचर, कैश आया तो कैश। तो अगर शेयर आया तो हम कहेंगे शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी डेबिट, शेयर ऑफ ट्रांसफरी डेबिट, डिबेंचर भी अगर आया तो डिबेंचर ऑफ ट्रांसफरी डेबिट, कैश अगर आया तो कैश भी डेबिट टू, कौन देने वाला होगा, ट्रांसफरी कंपनी पैसा देने वाली होगी, पैसा किससे मिलेगा, ट्रांसफरी से मिलेगा, तो टू ट्रांसफरी कंपनी। पांच छ, एंट्री नंबर सेवन, एंट्री नंबर सेवन, सातवीं एंट्री, एंट्री नंबर सेवन, ड्यू किया, रिसीव किया, अब क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसको ट्रांसफर करेंगे, पीसी की अमाउंट को, ट्रांसफर ऑफ पीसी टू शेयर होल्डर, क्योंकि बिजनेस के ओरिजिनल ओनर कौन है, शेयर होल्डर। तो जो भी बिजनेस बिकने कुने से पैसा आएगा वो किसको जाना चाहिए, शेयर होल्डर को। तो अभी जब ये सब चीजें मिली तो इनको डेबिट किया, आप ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, तो इट मींस डेबिट किसको करना पड़ेगा, शेयर होल्डर को। तो हम कह देंगे शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर ऑफ ट्रांसफरी, शेयर ऑफ ट्रांसफरी टू डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरी और टू कैश, टू कैश, ये हो गया। देन इसके बाद अगर लिक्विडेशन के खर्चे वो खुद ही परफॉर्म करता है तो क्या एंट्री करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय ट्रांसफरर, अगर ट्रांसफरर खुद ही लिक्विडेशन के खर्चे कर रहा है, ट्रांसफरर खुद ही लिक्विडेशन के खर्चे कर रहा है तो एंट्री क्या करेगा, वो कहेगा क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस डेबिट, वो क्या कहेगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी टू क्या, रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, ठीक है, ये एंट्री हो गई। तो इतनी एंट्री बेसिकली, और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको शेयर होल्डर के साथ बांट देंगे और अगर लॉस होगा तो उसे भी शेयर होल्डर के साथ बांट देंगे। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा, रियलाइजेशन में प्रॉफिट होने का मतलब क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, किसको पैसा जाएगा, शेयर होल्डर को जाएगा। अगर लॉस हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन पे अगर लॉस होगा तो जस्ट रिवर्स एंट्री कर लो, शेयर होल्डर डेबिट कर लो, शेयर होल्डर डेबिट टू रियलाइजेशन कर दो, टू रियलाइजेशन। तो इतनी एंट्रीज बेसिकली होंगी ही होंगी ट्रांसफरी और ट्रांसफरर की बुक में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अब हमको लगता है क्लियर हो गया होगा आपको कि अमलगमेशन होता क्या है, कैसे हम जज करेंगे मर्जर है या परचेज,
फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसीडरेशन का, और क्या एंट्री पास करेंगे ट्रांसफरर और ट्रांसफरी की बुक में। तो इतने टॉपिक मैंने आपको बता दिए कल के और आज के लेक्चर को मिलाकर। अब कल कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस से समझेंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे हम एंट्रीज पास करते हैं, इन सारी चीजों पे आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।